आमतौर पे लोग बहुत परेशानी के साथ आते हैं, एज़ इफ कि पता नहीं इससे कैंसर ना हो जाए। नहीं होता फाइब्रॉइड्स में कैंसर। आपने अल्ट्रासाउंड कराया है, उसमें फाइब्रॉइड आ गया, अब क्या करना है? पैनिक नहीं करना है, बहुत से सवाल हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन है। पहला सवाल ये है कि ये होता क्या है। ये सिर्फ मसल फाइबर्स की कलेक्शन होती है, ये सिस्ट नहीं होता। क्या ये फैमिलीज में होता है? यस, फैमिली टेंडेंसी होती है। आपके कुछ करने से ये नहीं हुआ और आपके कुछ करने से ये ख़त्म भी नहीं होगा। देयर इज़ नो मेडिसिन फॉर इट। ठीक हो गया। फिर ये है कि कितना कॉमन है, 1 in 3 वेमेन हैव इट। हर तीसरी औरत को फाइब्रॉइड्स होते हैं, चाहे उसे पता हो या ना पता हो। नेक्स्ट ये है कि क्या किस साइज के होते हैं। दे कैन बी वेरी टाइनी सीडलिंग फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, और दे कैन बी ह्यूज, पूरा पूरा टमी भरा हुआ होता है फाइब्रॉइड्स से। ठीक है। सो इमेजिन आपका जो यूट्रस है, इट इज द साइज ऑफ योर फिस्ट, राइट? सो उसमें टाइनी फाइब्रॉइड्स हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, कई मरतबा उनका भी कोई पता नहीं चलता, और आपको डायग्नोसिस होता है, आप किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं और पता चलता है कि फाइब्रॉइड है। आमतौर पे लोग बहुत परेशानी के साथ आते हैं, एज इफ कि पता नहीं इससे कैंसर ना हो जाए। नहीं होता फाइब्रॉइड्स में कैंसर, बिकॉज ये सिर्फ मसल टिश्यू की कलेक्शन होती है। सो इससे क्या इरेगुलर साइकिल होते हैं? नो। साइकिल पे अगर कोई भी चेंज हो तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। फाइब्रॉइड्स हॉर्मोन्स ना बनाते हैं, ना इनका साइकिल की चेंज से कोई ताल्लुक है। पीरियड्स में क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं? हैवी ब्लीडिंग कर सकते हैं। सो इफ देयर इज एन इरेगुलरिटी ऑफ द साइकिल, फिर हम हॉर्मोन्स टेस्ट करेंगे, फिर हम फाइब्रॉइड्स को नहीं ब्लेम करेंगे। ठीक है। अनदर क्वेश्चन, अगर ये कुछ नहीं कह रहे, कोई सिम्टम्स नहीं दे रहे और आपको पता चल गया है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ हर साल अल्ट्रासाउंड कराना है और इनकी मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलिटी, कि इसके बाद प्रेगनेंसी होगी। फर्टिलिटी पे इनका असर एट टाइम्स होता है इनकी पोजीशन की वजह से, अगर ये ट्यूब्स को बंद कर रहे हैं या ये उस जगह लोकेटेड हैं जहाँ पर प्रेगनेंसी ने आके अपनी शुरुआत लेनी है। ठीक है। सो फर्टिलिटी के लिए हम फाइबर्स को ट्रीट आमतौर पे नहीं करते। अगर हमें शक है कि फाइबर्स फर्टिलिटी में कोई इंटरफेरेंस कर रहे हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं कि इसको हम ट्रीट करें कैसे करें। इनकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती सर्जरी है। सर्जरी के अलावा नॉन सर्जिकल मेथड्स इतने कामयाब नहीं होते, वो थोड़ा बहुत इनके इफ़ेक्ट्स को बेहतर कर सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन फाइनल ट्रीटमेंट फाइब्रॉइड्स की सर्जरी है। क्या ये मिसकैरेज करते हैं? अगेन, जिस जगह लोकेटेड है उसकी वजह से कर सकते हैं, बट क्या इन्हें निकालना है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, बिकॉज अगर हम इन्हें निकालें और सर्जरी की वजह से कल को प्रेगनेंसी ही ना हो, एक तरफ शायद ये मिसकैरेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ सर्जरी कर दी तो शायद प्रेगनेंसी ही ना हो। अगेन ये क्वेश्चन है जो फिर हम पेशेंट्स के साथ डिस्कस करके इसमें आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है। सो फाइब्रॉइड्स हैं, पता ही तब चला कि प्रेग्नेंट हो गए, या छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स थे और उस पर ऊपर से प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी में क्या होता है? अगर तो बड़े फाइब्रॉइड्स हैं और प्रेगनेंसी हो जाए, तो कभी कभी मिसकैरेज हो जाता है, यस, इफ दे आर वेरी बिग। बट जनरली छोटे फाइब्रॉइड्स कुछ नहीं कहते, वो प्रेगनेंसी के साथ बड़े ज़रूर होते हैं और उनमें पेन होती है। पेन क्यों होती है? बिकॉज वो अपनी जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको आउटग्रो कर जाते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई जब नहीं आती बॉडी के किसी पार्ट में भी, हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट की ब्लड सप्लाई रुकती है तो
पेन होती है, एंजाइना होता है। इसी तरह जब फाइब्रॉइड को ऑक्सीजन नहीं मिलती, ब्लड सप्लाई नहीं सही होती, तो उनमें पेन होती है। प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड्स अगर सिर्फ पेन कर रहे हैं तो हम पेन किलर देते हैं, ओरल भी देते हैं और इंजेक्टेबल भी देते हैं। फाइब्रॉइड्स के साथ क्या नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है? अगर वो फाइब्रॉइड्स बिल्कुल यूट्रस की बाहर वाली वॉयल के साथ है तो शायद कोई मुश्किल ना हो और छोटे छोटे से हों अगर, बट अगर वो वॉल के अंदर हैं तो यूट्रस के जो मसल्स होते हैं ना, वो एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। सो व्हेन द फाइब्रॉइड्स आर इन द मिडल, वो उन मसल्स को इंटरफेयर करते हैं, तो जब पेन्स आती हैं तो वो पेन्स बेबी को सही तरह पुश आउट नहीं करती। सो यस, एट टाइम्स लेबर को ये नहीं सही आगे जाने देते और हमें सिजेरियन करना पड़ता है। और कभी कभी फाइब्रॉइड ऐसी जगह पे होता है कि जो बिल्कुल यूट्रस की ओपनिंग के करीब होता है और वो बेबी को गुजरने ही नहीं देगा, वो पहले ही पता होता है, उसके लिए हम प्लान्ड सिजेरियन करते हैं। सो बेसिकली अगर फाइब्रॉइड प्रॉब्लम दे रहे हैं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपने अगर फैमिली कंप्लीट कर ली है, सो वी वुड लाइक कि हम फाइब्रॉइड्स निकाल सकते हैं, क्या आपको हम हिस्टरेक्टमी ऑफर कर सकते हैं। हम एज पे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, अगर यंग हैं तो हम यूट्रस नहीं निकालना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि जब यूट्रस जल्दी निकाल लें तो ओवरीज अपना काम जल्दी ख़त्म कर देती है और मेनोपॉज आ जाता है। सो हर स्टेज पे हमें वे करना होता है। एक तरफ आया फाइब्रॉइड का डायग्नोसिस, दूसरे वो सिम्टम्स कर रहे हैं कि नहीं, वो सिम्टम्स कौन से कर रहे हैं और आपकी एज क्या है, आपकी आगे एक्सपेक्टेशन क्या है, फिर हम मिलके फैसला करते हैं कि इनके लिए क्या करना है, बट पैनिक नहीं करना है। थैंक यू।